ने पूछा था वेक्टोरियल क्या होता है। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी निकालना हो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो वेक्टोरियल क्या पता होगा, तो ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर दो 120। अब 4 वेक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 24 आ जाएगा। अगर आप 5 का वेक्टोरियल निकालना है तो आप इसको 5 × 4 वेक्टोरियल भी तो कर सकते हो, 5 × 4 वेक्टोरियल यानी कि 5 × 24 अगर आपको याद है 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 120 ये आंसर आ गया। इतनी जल्दी अब कहाँ तक के वेक्टोरियल याद होने चाहिए, वेल 6 का वेक्टोरियल 720, 7 का वेक्टोरियल 5040, 8 का वेक्टोरियल 403। यहाँ तक तो आपको लाजमी याद होने चाहिए, इसके बगैर आपका काम ही नहीं बनेगा। अब देखिए एक बात सुनिए, कभी इस तरह का सवाल आ रहा हो 8 वेक्टोरियल डिवाइड बाय 6 वेक्टोरियल, तो क्या आप ऐसे करके इसको ऐसे डिवाइड करना चाहेंगे कि ऐसी बेवकूफ़ी करने की जरूरत है। 8 वेक्टोरियल को आप 8 × 7 × 6 वेक्टोरियल में तो लिख सकते हैं, 6 वेक्टोरियल को 6 वेक्टोरियल लिखते हैं काट दीजिए, 8 7 से कितना हो जाएगा 56, यही आपका आंसर आ जाएगा।